प्यारे बच्चों, आज इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम पर विचार करने वाले हैं जिसको आपने अब तक जो सीखा है रूल, जो नियम, उसमें वो प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं इसको पहले एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ काश स्क्वायर एक्स, काश क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन टू द पावर 4 एक्स, साइन टू द पावर 5 एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2 एक्स इंटू कॉस 3 एक्स एंड सो ऑन। इस तरह के फंक्शन अगर दिए हुए, इनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए। तो आप कहोगे सर हम तो इसको जानते हैं। तो क्यों जानते हो आप? इसलिए जानते हो क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये आप जानते हो। आपने इस फार्मूले का यूज कर लिया। भैया आप कहोगे सर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का समाकल साइन एक्स होगा। मगर जब हम ऐसे कहेंगे भैया कॉस स्क्वायर एक्स का बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, तब आप कहोगे सर इसका कोई फार्मूला आपने अब तक नहीं बताया है। सही बात नहीं बताया है। एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, 7.1 भी हो गया। 7.1 में बेसिक फार्मूले का यूज करके आपने इंटीग्रेशन ज्ञात किया था, आपने समाकल ज्ञात किया था। एक्सरसाइज 7.1 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाया था, इंटीग्रेशन ज्ञात किया था, समाकल ज्ञात किया था। तो अब दो तरीका आप जानते हो, दो तरीके से इंटीग्रेशन आप निकाल चुके हो। पहला तरीका बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला, तो कोई फार्मूला इसमें नहीं यूज हो रहा है। दूसरा तरीका आपने जो सीखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब प्रतिस्थापन विधि से समाकल आपने ज्ञात किया। प्रतिस्थापन विधि में क्या था वो आप चेक करेंगे। पहला फार्मूला नहीं लग रहा, पहला मेथड फेल हो गया। दूसरा प्रतिस्थापन आपने सीखा है तो जो आप सीखे हो वही तो लगाओगे, अब उसको लगाओगे आप। तो उसमें क्या था कि जो जो इंटेग्रेंड दिया हुआ है हमारा, इंटेग्रेंड कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें कहते थे हम क्या करते थे कि इसमें से कोई पार्ट मान लेते थे, उसका डेरिवेटिव निकालते थे, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते थे, उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते, उसका अवकलज ज्ञात करते थे, तो दूसरा पार्ट उसमें मिल जाता था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेते थे। तो इसमें तो एक ही पार्ट है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आए कि एक पार्ट है तो मानने के बाद उसकी dx की वैल्यू निकाल लिया। लेकिन जब हम यहाँ cos स्क्वायर x है, अगर हम cos x को मान लें तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा, तो वो तो है ही नहीं इसमें। तो हमारा काम इससे नहीं बनने वाला है। जो हम मेथड जानते हैं, जो तरीका आप जानते हो, उससे कोई काम नहीं बनने वाला है। तब एक प्रॉब्लम आई, फिर कैसे किया जाए। उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कुछ फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको यूज करनी पड़ेगी, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये फार्मूला है जो 11th क्लास में पढ़ चुके हो,
और कुछ हाई स्कूल में फर्क पड़ चुके हो, तो देखते हैं फार्मूला मैं बताता हूँ। बेसिक फार्मूला उसको आपको याद रखना पड़ेगा, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं। तो पहला फार्मूला जो यहाँ पर अक्सर यूज करने वाला है, तो बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज 7.3 के सोल्यूशन में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो पहला बेसिक फार्मूला आप याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरा याद रखेंगे आप, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हुआ। फिर दूसरा फार्मूला आप क्या रखना है, साइन टू थीटा के फॉर्म में, साइन टू थीटा इक्वल टू आप जानते हो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू, एक फार्मूला और इसका है, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला कॉस टू थीटा इक्वल टू, इसके चार फार्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला जो यूज होने वाले हैं, टेन टू थीटा, या इसी में इसको लिख दे रहे हैं, एक कैटेगरी का है, टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटीज क्या है, सर्वसमिका है, एक बहुत बेसिक चीज है, साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, फिर इसी का माइनस रूप भी है, साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, फिर कास के फॉर्म में भी है, कास ऑफ ए प्लस बी इजिकल टू कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए माइनस बी इजिकल टू कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथी देखते हैं, साइन थ्री थीटा साइन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा कॉस थ्री थीटा इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। छठा फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी क्या देखते हैं, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी
टू कास ए कास बी इक्वल टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी टू साइन ए साइन बी टू साइन ए साइन बी इक्वल टू टू साइन ए का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू का से साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन टू का से कास बी इक्वल टू का से प्लस बी प्लस का से माइनस बी और चौथा टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कास साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ऑफ ए प्लस बी। एक और यूज हो सकता है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सातवां फार्मूला कॉस सी प्लस साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू फिर साइन सी माइनस साइन डी इजिकल टू टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू फिर कास सी प्लस कास डी इजिकल टू टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू और चौथा है कास सी माइनस कास डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इसी को ऐसे भी ले सकते हैं माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था अब मैं वहीं शुरू करता हूं। तो मैंने क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जो मेथड जानते हो उससे नहीं कर सकते हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो लिखाई गई उनमें से प्रयोग करके लगाएंगे। तो उनमें खास करके जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है फार्मूला कास टू थीटा इजिकल टू टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन दिस इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका ज़्यादा उपयोग। अब इससे होगा क्या, कास स्क्वायर एक्स लाना है तो आप देखिए अब एक्स के फॉर्म में अगर लिख लें इसको तो हो जाएगा कास टू एक्स इजिकल टू टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन के वन को इधर लाओ तो हो जाएगा वन प्लस कास टू एक्स इजिकल टू टू कास स्क्वायर एक्स टू से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा वन प्लस कास टू एक्स बाई टू इजिकल टू कास स्क्वायर एक्स के। तो कास स्क्वायर एक्स से इस फार्मूले की सहायता से उसकी जगह पर वन प्लस कास टू एक्स बाई टू रख देंगे और आप वन का भी जानते हो इंटीग्रेशन का फार्मूला और कास टू एक्स का भी आप पढ़ चुके हो, क्लियर। यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसलिए आपको एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चन है ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय समीकरणकाएं आपको जुबानी याद होंगी, इसलिए मैंने उसके कुछ बेसिक फार्मूले आपको पूरी तरह से लिखा दिया। आप नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं जो एग्जांपल कुछ लिखे हैं इसको सॉल्व करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहते हैं। ये तो आपको आ रहा है ये फार्मूला डायरेक्ट, अब इसको लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे देखो
क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसको आपको याद रखना है, मेन फार्मूला हमारा ये इसी से निकला। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, उसकी जगह पर रख दो 1 प्लस cos 2x बाई 2 और हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई 2 बाहर ले लेंगे और इसको तोड़ देंगे तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x का फार्मूला आप जानते हो, क्या फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x का, cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c है। तो जब cos x का जानते हो तो इसी से cos 2x का हो जाएगा। इसको लगाने के दो तरीके, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, फार्मूला डायरेक्ट है। क्या क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a sin ऑफ ax प्लस कांस्टेंट। जुबानी आप क्या जाना चाहिए, क्या करेंगे, बस ए से डिवाइड कर देंगे। cos x का sin x होता है, cos 2x का भी sin 2x होगा, cos 3x का sin 3x होगा, बट हमको क्या काम है, एडिशनल काम क्या करना है, जो ये 2 है 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 sin 2x। आप cos x का जानते हो इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 2x का भी जानो sin 2x होगा, बट 2 से डिवाइड कर देंगे उसमें, क्लियर, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा, cos क्यूब x का। ये वाला आते हैं cos क्यूब x dx, इसका भी कोई फार्मूला नहीं है, कोई तरीका आप जो पढ़ चुके हो नहीं जानते हो। इस क्वेश्चन को दो मेथड से लगा सकते हैं, एक तो जो फार्मूला भी हमने लिखाया, क्या फार्मूला लिखाया, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इससे क्या निकालेंगे, cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर लाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, 4 से डिवाइड कर दो तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा टोटल अपॉन 4 इज इक्वल टू हो गया cos क्यूब थीटा। तो इस फार्मूले से हमको मिल गया, ये फार्मूला मिल गया, इसीलिए बहुत जरूरी याद रखना आपको। अब इससे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं वहां पर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, x है तो x कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x टोटल अपॉन 4 है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4 बाहर ले लें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस, तोड़ दें इसको, 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4। अब ये cos ax dx इक्वल टू 1 अपॉन sin ax, आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन 3 sin 3x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x sin प्लस कांस्टेंट, हमारा ये आंसर हो गया, क्लियर। ये हो गया हमारा cos क्यूब x का। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, देखते हैं दूसरा तरीका, ओ आर आर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, cos स्क्वायर x को चेंज कर सकते हैं
वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब अगर साइन एक्स इक्वल टू, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहां लगाएंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी देन कॉस एक्स इक्वल टू, वैल्यू निकल जाएगी उसकी। तो लिखेंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर? कैसे? इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने साइन एक्स को माना एक पार्ट, दूसरा निकल गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन एक्स को टी माना तो वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी के, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तोड़ दे रहे हैं, वन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका हो जाएगा टी हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई थ्री एंड प्लस कॉन्स्टेंट। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, हो जाएगा साइन एक्स टी क्यूब, तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई थ्री एंड प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा, अब देखिए क्वेश्चन हमारा कॉस क्यूब एक्स, इसका आंसर ये आया हुआ है और इसका आंसर ये आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही क्वेश्चन है मगर आंसर देखने में अलग अलग है, मगर इनकी जो वैल्यू निकाली जाएगी तो सेम आएगी, चाहे इससे भी आएगी इससे भी सेम आएगी, इसलिए देखने में तो आंसर अलग अलग है मगर दोनों सही है। ठीक है, इसलिए अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है अब आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आपको इस मेथड से भी लगा देना है और इस मेथड से लगा देना है, क्योंकि हो सकता है जांचने में किसी के दिमाग में आंसर ये फीड हो और आपने ये लगा रखा है, या किसी ने किसी के दिमाग में ये फीड हो और आंसर ये ला रखा है, इसलिए ये इस तरह के डिस्प्यूटिंग क्वेश्चन के आंसर जो दो टाइप के आ रहे हैं इसको अगर आपके पास टाइम बचता है तो दोनों मेथड से लगाने की कोशिश करिएगा। क्लियर? अब तीसरा देखते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अब तीसरा क्या है, जैसे कॉस क्यूब एक्स लगाया वैसे ही साइन क्यूब एक्स का भी आप लगा लेंगे, जैसे होमवर्क है, जैसे होमवर्क है करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। हम इसको लगाते हैं साइन टू द पावर फोर एक्स का, एक हो गया दो हो गया साइन टू द पावर फोर एक्स। तीसरा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर फोर एक्स डी एक्स। यहाँ भी प्रॉब्लम वही है, कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा काम नहीं बनने वाला है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, या यूं कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया डी एक्स के। तो क्या काम बनने वाला है? कुछ नहीं बनने वाला है, इसको साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ दें फार्मूले से, देखें क्या आता है, साइन पर फोर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर से क्या कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, अच्छा इससे नहीं निकलेगा इस फार्मूले से, बल्कि हमको इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं यानी कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस टू थीटा इज इक्वल टू
वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इससे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ क्या निकाला था, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ इससे निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा, देयर फोर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू के। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स है, वन माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स वाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा, इस चीज को यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको वन बाई टू को बाहर ले लेंगे तो वो स्क्वायर है तो वन बाई फोर बन के बाहर निकलेगा, तो अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देते हैं तो हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स एंड माइनस टू कॉस टू एक्स हो गया डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ, अब सबको अलग कर ले रहे हैं, वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स। अच्छा टू कॉस इधर, इसको इधर कर ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स भी जानते हो, बट कॉस स्क्वायर टू एक्स का अब यह मामला फंस रहा है, ये नहीं आ रहा। अब यहाँ पर फार्मूला आप देखिए, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ पर देखे हो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप देख रहे हो कॉस टू थीटा इक्वल टू टू का स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, तो कॉस स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर हमें टू थीटा लाना है, उसके लिए क्या होगा फार्मूला, देखिए यही आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कॉस टू इंटू टू थीटा यानी कॉस फोर थीटा इजिकल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जब क्या हो गया टू थीटा और माइनस वन के, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर टू थीटा इजिकल टू वन प्लस कॉस फोर थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास क्या लाना है, कॉस स्क्वायर टू थीटा लाना है, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा इजिकल टू आ जाएगा वन प्लस कॉस फोर थीटा टोटल अपॉन टू, यानी ए फार्मूला लग जाएगा, ए फार्मूला लग जाएगा, इस फार्मूले से हमने इसको निकाला, इस इजिकल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा साइन टू एक्स, और टू से डिवाइड कर देंगे तो साइन टू एक्स वाई टू एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस फोर थीटा अपॉन टू, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू क्या हो जाएगा डी एक्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे, दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स टू टू कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस साइन, नहीं इसमें जो है कहीं से
साइन टू दी पावर 4 एक्स है, 1/4 3/2 एक्स आना चाहिए। यहाँ पर कहाँ से लगानी है, यहाँ पर फिर से चेक कर ले रहे हैं, 3/2 कहाँ से आएगा, 1/4 माइनस साइन टू एक्स प्लस साइन टू दी पावर 4 एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस कास टू एक्स बाई टू, 1 माइनस कास टू एक्स बाई टू डी एक्स, 1 माइनस कास टू एक्स, 1 प्लस कास टू एक्स टू हो गया, 1 बाई टू, यस 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 यस, तो होल स्क्वायर कर दिया हमने इसका, तो 2 का बाहर आ गया, तो 1 प्लस कास स्क्वायर 2x हो गया, माइनस 2 इंटू ये ठीक है, ये अलग कर लिया हमने, ये भी अलग कर लिया, इंटीग्रेशन डी एक्स। चलिए देखते हैं, 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस साइन, माइनस साइन 2x एंड प्लस 1/2 फिर बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन आउट 1 dx, तो 1 dx क्या हो जाएगा, 1 dx का हो जाएगा x हो जाएगा, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, वही फार्मूला हमने बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x का हो जाएगा cos 4 sin 4x और अपान 1/4 हो जाएगा, यानी sin 4x / 4 एंड प्लस कांस्टेंट के। अब जो है यहां पर क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/4 एक्स माइनस साइन 2x प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/2x प्लस साइन 4x / 8 एंड प्लस कांस्टेंट के। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x / 2 है, तो ऐड कर ले रहे हैं, 1/4 एक्स प्लस एक्स 5/2 हो जाएगा, 3/2x माइनस साइन 2x एंड प्लस साइन 4x / 8 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमने साइन टू दी पावर 4x का इंटीग्रल निकाल लिया, समाकल ज्ञात कर लिया, क्लियर। इसीलिए ये सब फार्मूले आप देख रहे हो, आपको मालूम हो गया होगा कि फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, जब तक ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तब तक इस क्वेश्चन को बिल्कुल लगा नहीं सकते हो, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आते हैं हम साइन टू दी पावर 5x, साइन टू दी पावर साइन टू दी पावर 5x को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का भी आप निकाल चुके हो, यानी साइन टू दी पावर 4x का आप निकाल चुके हो, लेकिन वो मेथड नहीं लग गया जो साइन टू दी पावर 4x का, तो साइन एक्स छूट जाएगा हमारा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा। इस साइन स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया इस फार्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, क्लियर। इसके पहले साइन स्क्वायर जो आया था इस फार्मूले से चेंज किए थे उसको, कास स्क्वायर आया था तो इस फार्मूले से उसकी वैल्यू पुट किए थे, जहाँ जी जरूरत होगी, तो इसलिए आपका आपके मेमोरी में सारे फार्मूले सारे आइडेंटिटीज जो है याद होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जा रहा है, अगर cos x = t मान लो तो उसका डेरिवेटिव sin x इसके अंदर मौजूद है, तो लिखेंगे पुट cos x = t implies that sin x dx = minus dt, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है,
आपको साइन एक्स पॉजिटिव लाना है तो माइनस डी टी हो। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस डी टी है तो ऑलरेडी माइनस से हम लगा ले रहे हैं पहले से, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी माना तो वन माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा का होल स्क्वायर है एंड टू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है। चलो माइनस डी टी लिख दे रहे हैं, बाद में कर लेंगे उधर माइनस डी टी। अब माइनस बाहर ले लेंगे, अब वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे हो जाएगा वन प्लस टी टू दी पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर और हो गया डी टी। अब इसको अलग कर लेंगे सब, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रेकेट लगा देंगे वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर फोर डी टी माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया। सबका फार्मूला लगा दो, अब बेसिक फार्मूला यूज हो जा रहा है, किस फार्मूले का यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन टोटल अपॉन एन प्लस वन एंड प्लस कॉन्स्टेंट, यही फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा प्लस टी टू दी पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू इंटू टी क्यूब बाई थ्री एंड प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं और टी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। टी की वैल्यू क्या हमने माना है, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो ये पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो प्लस टी माइनस टी टू दी पावर फाइव बाई फाइव प्लस टू बाई थ्री टी क्यूब एंड प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। कॉस फाइव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स माइनस वन अपॉन फाइव कॉस एक्स पर पाँच की घात हो जाएगा कॉस टू दी पावर फाइव एक्स प्लस टू बाई थ्री कॉस क्यूब एक्स है हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट के, इस तरह से हमने इसका भी इंटीग्रेशन याद कर लिया। क्लियर। अब आते हैं हम एक अलग टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है जुड़ा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पांचवा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब देखिए यहां पर दो फंक्शन है, साइन है और कॉस, इसका मतलब हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा ऐसा देखने से लग रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के पहले ऐसा लगता है इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज हो सकता है, इसको कर सकते हैं साइन क्यूब एक्स है तो हम इसे लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स मानेंगे तो डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स मानेंगे डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाएगा, जबकि हमारा इसमें मौजूद नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ऑर्डर हमने बदल दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत देखने से स्पष्ट हो रहा है, कॉस एक्स इक्वल टू अगर टी मान ले तो साइन एक्स उसका डेरिवेटिव इसके अंदर मौजूद है, दिस इज इक्वल टू, अब लिखेंगे पुट पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हमारा मिल गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू
cos x को t माना है तो हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस डी टी, इस इज इक्वल टू माइनस को बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, अब इसको अलग अलग कर ले रहे हैं हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 एंड प्लस कांस्टेंट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 एंड प्लस कांस्टेंट वैल्यू टी की पुट कर दो क्या है कॉस एक्स है हो जाएगा माइनस कॉस एक्स टी क्यूब तो हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाई 3 एंड प्लस कांस्टेंट, इस तरह से हमारा ही आंसर हो गया। क्लियर, और अगला क्या है 1/sin x cos² x। अगला एग्जांपल लेते हैं, वन अपॉन साइन एक्स यानी एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छ, छठा एग्जांपल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू cos² x डी एक्स, ये थोड़ा सबसे हट करके अलग अपान करके इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इक्वल टू cosec x और 1/cos² x इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह क्वेश्चन आया इस तरह से बदल लेंगे। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा उल्टा चलेंगे भैया, इसमें अगर cosec x को मान लिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इक्वल टू क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है ही नहीं, इसमें इंटीग्रेशन sec x को मान लो तो sec x इंटू tan x होता है ही नहीं, इसमें इसका मतलब कुछ यूनिक चीज मानेंगे हम tan x मानेंगे जो इसमें है ही नहीं, जो इसमें है ही नहीं, तो लिखेंगे पुट, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, पुट टैन एक्स इक्वल टू टी, अब तक जो माना जाता था वो इसके अंदर मौजूद रहता था, अब हम जो मान रहे हैं वो है ही नहीं इसमें, पुट टैन एक्स इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स और डी डी एक्स ऑफ टी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी के आ गया। अब sec स्क्वायर तो आ गया, अब cosec x को कहां ले जाए, क्वेश्चन हमारा ये है कि cosec इसको कहां ले जाए, हम cosec x इंटू sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन हमारा क्या है sin x इंटू, अब इसमें देखो भैया काम चलने वाला नहीं लगता, हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया है, यहाँ पर cos क्यूब x होना चाहिए, इस पर नहीं क्वेश्चन सेट हो रहा है क्योंकि ये हो गया, जब cos क्यूब हो जाएगा तब ये हो जाएगा sec क्यूब हो जाएगा, जब sec क्यूब हो जाएगा तो अब जो है sec स्क्वायर x लाने के लिए इसे भी एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू sec x इंटू sec स्क्वायर x और डी एक्स, अब हमारा काम बन जाए पुट, अब लिखेंगे पुट tan x इज इक्वल टू, अब लिखेंगे हम पुट tan x इज इक्वल टू t इम्प्लाइज दैट sec स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू हो गया dt, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब
प्रश्न उठता है तो sec x की वैल्यू क्या रखा जाए, sec x की वैल्यू क्या रखा जाए, देखते हैं। हमने माना है tan x इज इक्वल टू t, तो इंप्लाइज दैट tan बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इज इक्वल टू t by 1। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर ये एंगल x है, लंब टी है, आधार एक है, तो एसी क्या हो जाएगा, एसी आप निकालोगे तो हो जाएगा रूट वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहां से आप देखिए साइन एक्स इक्वल टू लंब बटे कर्ण टी अपॉन रूट वन प्लस टी स्क्वायर, देयरफॉर इसका उल्टा कोसेक एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और क्या है, sec x तो cos x इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण स्क्वायर, यानी वन अपॉन रूट वन प्लस टी स्क्वायर, इसका उल्टा sec x इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर। इसका प्रयोग करते हुए अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो sec स्क्वायर x इक्वल टू dt आ गया, अब cosec x इक्वल टू क्या आ गया, रूट वन प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी हो गया, इंटू sec x की क्या वैल्यू आई है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, और sec स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आई है, dt आई है। दिस इज इक्वल टू, देखिए ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी एंड डी टी। दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं वन बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी, तो टी स्क्वायर बाई टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा डी टी के। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी के। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी क्या होगा, लॉग ऑफ मॉडुलस टी एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, जस्ट द पावर एन का फार्मूला लग जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट की, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या हमने मानी थी टैन टी, तो हो जाएगा टैन एक्स प्लस वन बाई टू टी स्क्वायर यानी टैन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आपको जो है ये सब प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और बचता है, इसको भी लगा देते हैं। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इनटू कॉस 3x, ये बिल्कुल हट करके dx। इस इज इक्वल टू क्या करेंगे, आप देख रहे हो हमने एक फार्मूला बताया आपको 2 साइन ए कॉस बी, ये ए है एंगल ए या एंगल बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या करेंगे 2 चाहिए इसमें हमको, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यानी 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2, यहाँ 2 हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 3x dx, 2 साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला हमने बताया था अभी आपको। टू साइन ए
कास बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई है। टू साइन ए कास बी इज इक्वल टू वन बाई टू, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी साइन टू एक्स प्लस थ्री एक्स एंड प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन टू एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स हो गया डी एक्स। इसकी इसका फार्मूला हो गया ये, यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाइव एक्स हो जाएगा, साइन फाइव एक्स प्लस साइन ये हो जाएगा माइनस एक्स और हो गया यहाँ पर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको अलग अलग लिख रहे हैं, अच्छा अभी ऐसे लिख ले रहे हैं साइन फाइव एक्स साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स हो गया डी एक्स। दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन आप सबको अलग अलग कर ले रहे हैं साइन फाइव एक्स डी एक्स हो जाएगा, जब अलग कर लेंगे तो डी एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो फाइव एक्स है तो माइनस कॉस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस फाइव एक्स हमने बताया है कि वो फाइव जो है एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देंगे फाइव एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन इसका माइनस कॉस एक्स होगा तो एंड प्लस कॉन्स्टेंट पे। दिस इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस कास फाइव एक्स अपॉन फाइव माइनस माइनस प्लस हो गया एंड प्लस कास एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट के। इस तरीके से इसका भी आंसर हमारे पास आ गया, क्या आ गया वन अपॉन टू ब्रैकेट में चाहो तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। इस तरह से हमने आपको कोशिश की कि कई डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन समाकलन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से समझाने की कोशिश किया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज 7.3 का सलूशन बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सलूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। क्लियर।